बाद मेरे को जाना है रुद्रपुर, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो सिम वाला और मेमोरी कार्ड का स्लॉट होता है वो हो चुका है ख़राब। उसमें धोए क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है, तो गेहूँ धोए थे मैंने। गेहूँ धो, पता ही आपको, गाँव में खरीद के लाना नहीं पड़ता है सामान, ये सारी चीज़ें घर ही मिल जाती हैं। मतलब बन गया फोन, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वीडियो में, आपको वीडियो डेली मिलती रहेगी। हेलो दगड़ियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते पहलाग, और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नई वीडियो के साथ। तो मैं आपको बता दूं, आज मेरे को जाना है रुद्रपुर, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो सिम वाला और मेमोरी कार्ड का स्लॉट होता है वो हो चुका है ख़राब। उसमें मेमोरी कार्ड शो नहीं कर रहा है, तो मेरे को जाना है सैमसंग केयर में। तो मैं जाऊँगा फिर रुद्रपुर सैमसंग केयर और फ़ोन दिखाऊँगा। तो इसीलिए मतलब आपको मेरी वीडियो दो दिन नहीं मिली, क्योंकि मेरे को एडिट करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ रुद्रपुर, फिर करवाता हूँ सही, उसके बाद तो फिर आपको तो वीडियो अब मिल ही रही होंगी इससे पहले, क्योंकि ये वीडियो उसके बाद की है। वीडियो मेरे को बनी हुई पहले से, तो एडिट नहीं हो पा रहा था इसलिए। तो चलते हैं रुद्रपुर, मिलते हैं फिर आगे। और देख सकते हैं हमारी शिल्पी कैसा सूरत की, इसके नीचे शिल्पी सूरत की थी, बड़े आराम से ये भी इसके नीचे ना, तो चारपाई के नीचे छाया हो रहा, तो उसके नीचे सोई थी ये। तो आपको दिखाता हूँ, आज सुबह से मैंने बहुत काम किया था, मैंने गेहूँ भी धोए क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है, तो गेहूँ धोए थे मैंने। गेहूँ धोखा सुखा के रखे हैं, धो के अब इसको थोड़ा कर देता हूँ ना, सूख जाएंगे, क्योंकि ऊपर के थोड़ा सूखे हैं, नीचे के थोड़ा गीले हैं। दिन भर से भयंकर ना काम करके थक गया। ये गेहूँ सुखा है, गेहूँ धोए, गेहूँ सुखा है, और ये है लाई, लाई यानी कि सरसों, पता ही हो जाता आपको, हम तो लाई बोलते हैं, और वैसे सरसों कहते हैं इसे, पीली सरसों है ये। इसका बनेगा तेल, क्योंकि सब तेल वेल, गेहूँ आटा चावल सब हमारे घर का ही है, बाकी तो पता ही आपको, गाँव में खरीद के लाना नहीं पड़ता है सामान, ये सारी चीज़ें घर ही मिल जाती हैं। तो ये भी सुखाया मैंने आज, थक गया भयंकर ना काम कर करके सुबह से। तो चलते हैं फिर रुद्रपुर अब टाइम से, क्योंकि शाम से पहले पहुँचना पड़ेगा, अंधेरे से पहले, मिट्टी विट्टी बहुत है इसमें। चलते हैं फिर, मिलते हैं आगे। तो इस वाले रास्ते से आया था मैं, पता ही होगा आपको, यही है मतलब गिनेस वाला रास्ता। और सामने आप देख सकते हैं, यह है विशाल मेगा मार्ट, काफ़ी पुराना है ये भी, तब पहले एक टाइम पर चलता था विशाल मेगा मार्ट का नाम, अब तो बहुत सारे मार्ट खुल गए हैं, हर जगह नए नए मॉल खुल गए हैं। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ अब। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ रुद्रपुर की मार्केट में, मैं अभी इधर से आया विशाल मेगा मार्ट से होते हुए, और सामने यह है चौराहा। आप सीधे जाएंगे तो आपको आगे गांधी पार्क मिलेगा, और इस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड तो ये जाएगा रोडवेज के लिए, और मैं अभी राइट साइड जाऊँगा, इसी साइड है सैमसंग स्टोर। तो चलते हैं फिर आगे, मिलता हूँ मैं सीधे आप सैमसंग स्टोर में। और ये है सर्विस सेंटर सैमसंग का, ऊपर चलते हैं ऊपर, आप देखते हैं अभी खुला भी है या नहीं खुला, पता नहीं। फोन बनाने के लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा फिलहाल तो। तो फोन तो बन गया, अब चलते हैं घर, थोड़ा वेट करना पड़ा, मतलब बन गया फोन, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वीडियो में, आपको वीडियो डेली मिलती रहेगी, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना मेरे पे। और मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।